नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिल की नई रिलीज फिल्म रुद्रन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे राघव लॉरेंस एंड प्रिया भवानी शंकर स्टारर तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म रुद्रन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 की। तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर ठीक-ठाक कमाई देखने को मिली है। फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 4 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म रुद्रन का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई हो चुकी है। वहीं फिल्म के प्रीवियस डे 1 कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 5 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई कर ओपनिंग ली थी। जहां फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से 1.5 करोड़ ग्रॉस, तो वहीं फिल्म का तमिलनाडु से 2.52 करोड़ की ग्रॉस कमाई रही थी। फिल्म रुद्रन के बजट की बात करें तो फिल्म रुद्रन को ओवरऑल 20 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर। वहीं दोस्तों फिल्म के स्क्रीन की बात कर ले तो फिल्म रुद्रन को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, जिसमें फिल्म का तमिलनाडु में 400 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। दोस्तों फिल्म रुद्रन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में राघव लॉरेंस की एक्टिंग आपको जबरदस्त देखने को मिलेगी। फिल्म रुद्रन दोस्तों आपने देखी या ना देखी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों बात करते हैं समांथा रुद्र प्रभु की तेलुगु रिलीज फिल्म शकुंतलम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे समांथा रुद्र प्रभु एंड देव मोहन स्टारर तेलुगु इंडियन फिल्म शकुंतलम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 की। तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 के मुकाबले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 के अंदर आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमाई कर शुरुआत हुई थी। फिल्म शकुंतलम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 की बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 3 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म शकुंतलम का अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 8 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई हो चुकी है। वहीं दोस्तों फिल्म के प्रीवियस डे 1 कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 5 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर ओपनिंग ली थी। वहीं दोस्तों फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म शकुंतलम को ओवरऑल 60 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर। वहीं दोस्तों फिल्म के स्क्रीन की बात कर ले तो फिल्म शकुंतलम को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। वहीं दोस्तों फिल्म की बात करें तो फिल्म में समांथा रुद्र प्रभु के साथ मोहन बाबू, प्रकाश राज मधुबाला और गौतमी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये फिल्म अल्लू अर्जुन के लिए भी काफी ज्यादा खास है, क्योंकि इस फिल्म से अल्लू अर्जुन की बेटी अल्लू अर्हा इस फिल्म से टॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही है। वहीं दोस्तों फिल्म में मलयालम एक्टर देव मोहन ने दुष्यंत की भूमिका निभाई है। फिल्म को दुनिया भर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में रिलीज किया गया है। दोस्तों फिल्म शकुंतलम आपने देखी या ना देखी, अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था लेकर जो कहा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।